भारतीय टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां पर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 4था टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में 15 जनवरी से खेला जाएगा। भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज से पहले 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली थी, जिसमें से वनडे सीरीज में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 15 जनवरी से होने वाले 4थे टेस्ट मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और भारतीय टीम में क्या क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3रा टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। कई भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया तो कई खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। यही नहीं, 3रे टेस्ट मैच में 2 भारतीय खिलाड़ी चोटिल भी हो गए थे। 3रे टेस्ट मुकाबले में रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत चोटिल हो गए थे। हालांकि ऋषभ पंत के बारे में अच्छी खबर आई है, लेकिन रविंद्र जडेजा अगले 5 से 6 सप्ताह के लिए बाहर हो चुके हैं। 4थे टेस्ट मैच में निश्चित तौर पर रविंद्र जडेजा की जगह कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं ऋषभ पंत की जगह आपको रिद्धिमान साहा टीम में नजर आ सकते हैं। यदि भारतीय ओपनिंग बल्लेबाजी की बात करें तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अच्छी बल्लेबाजी की है। दोनों को 4थे टेस्ट मैच में जगह मिलना तय माना जा रहा है। दोनों को 4थे टेस्ट मैच में जगह मिल सकती है। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा मध्य क्रम को संभालेंगे, तो वहीं हनुमा विहारी भी टीम में शामिल हो सकते हैं। यदि हम भारतीय तेज गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी को ही 4थे टेस्ट मैच में जगह मिल सकती है। दरअसल तीनों ने ही 3रे टेस्ट मैच में अच्छी गेंदबाजी की है। रविचंद्रन अश्विन के साथ में आपको कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रविंद्र जडेजा अब पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं और शायद आपको इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती मैचों में भी वो नजर नहीं आएंगे। यदि हम भारत की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, रिद्धिमान साहा, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी को मौका मिल सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करें। भारतीय टीम में कौन कौन से बदलाव होने चाहिए और कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।